जय भीम इंडिया में मैं वर्षा गलपांडे आप सबका स्वागत करती हूं। खबर शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र बंद, जिले के सभी जिलों में बंद को मिला प्रतिसाद। नागपुर में भी बंद का असर, महल परिसर में पालक मंत्री को आंदोलनकारियों ने घेरा तो उद्धव जी भोसले ने दी सरकार को चेतावनी। और गुजरात के वेरवाल सोमनाथ में सिविल अस्पताल में गायनिक पुरुष डॉक्टर द्वारा गर्भवती महिलाओं को छेड़ने का मामला आया सामने, डॉक्टर कुवावत के विरोध में मामला दर्ज। अब खबरें विस्तार से। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर राज्य में चल रहे उग्र आंदोलन के बाद 9 अगस्त को क्रांति दिवस पर महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया गया। नागपुर के साथ राज्य के सभी जिलों में बंद का ऐलान किया गया। वहीं मुख्यमंत्री की शव यात्रा निकाली तो कहीं चक्का जाम किया। आज 9 अगस्त को मोताला शहर, मोताला तालुका की ओर से, मोताला में मराठा क्रांति मोर्चे की ओर से बंद का ऐलान किया गया है। और इस बंद के ऐलान को सक्सेस करने के लिए मोताला शहर के सभी व्यापारियों, सभी कर्मचारियों, सभी ऑटो स्टॉप के जो हमारे सदस्य हैं, सम्मान्य सदस्य हैं, उन सबका हमारे को सपोर्ट मिला। आज हमारे इस मराठा आरक्षण के आंदोलन में यहाँ पे बस स्टैंड पे हमारे सब कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे रास्ता रोको किया हुआ है, सब शांति से शुरू है। यहाँ तक कि आज हमारे मोताला के नगराध्यक्ष जो है उन्होंने भी मराठा आरक्षण के वास्ते प्रथम नागरिक जो है उन्होंने भी यहाँ मुंडन करके ये मराठों को आरक्षण मिलने को होना इस विषय में हमें प्रतिसाद दिया हुआ है। उसके साथ में हमारे नगर सेवक मुस्लिम समाज के जो सब हमारे भाई है वो भी हमारे साथ में। हमारी इच्छा है सरकार ने तत्काल इस विषय पे निर्णय लेने को होना और जो मराठों का आरक्षण है उसके साथ में मुस्लिम समाज का आरक्षण है इन सब पे इन्होंने गौर से, धनगर समाज का आरक्षण है इस पे गौर से जल्दी निर्णय लेके सबको न्याय देने को होना। यह हमारा जो मराठा क्रांति मोर्चा है ये किसी भी समाज के विरोध में नहीं है, हमारे पूरे समाज हमारे साथ में है, सब मिलकर भाईचारे से इस आंदोलन को हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ। यहाँ के मोताला शहर के जो नागरिक है, तालुका है और प्रशासन के अधिकारी जो है, पुलिस वालों ने हमें अच्छा इस तरह में कॉपरेट किया हुआ है। इसी तरह अगर सरकार ने जल्दी से जल्दी निर्णय नहीं लिया तो मराठों को जल्द से जल्द अगला कदम उठाना पड़ेगा। इतर लोग हैं जे इतर संघटना है या सरकार ने मराठ्यांना आरक्षण द्यावं या दृष्टिकोनातून सर्वांनी या सकल मराठ्याला पाठिंबा देऊन मराठ्यांना लवकरात लवकर आरक्षण मिळालं पाहिजे यासाठी सर्व या सकल मराठ्यांच्या पाठीशी आहेत। सकल मराठाच्या वतीने सर्व महाराष्ट्र बंदचं आवाहन केलं आहे। प्रमुख मराठ्यांची मागणी अशी आहे की मराठा आरक्षण पोपर्डीमध्ये झाले आमच्या बहिणीवर अत्याचार, तसेच जे आज सरकारने आमच्या मराठा समाजा बंदावर केलेले गुन्हे मागे घेणे असे प्रमुख मागण्या घेऊन आम्ही या महाराष्ट्र बंद तेल्हारा संघटनेच्या वतीने पूर्ण तेल्हारा शहर व तालुका बंद करण्याचे आम्ही आवाहन करतो आहे व याकरता आम्हाला सर्व संघटनेनी आणि तेल्हारा शहर आणि तालुक्याने केलेल्या सहकार्याबद्दल आम्ही त्यांचे सकल मराठाच्या वतीने धन्यवाद करतो आहे। आणि यापुढे जर सरकार आमच्या या बाबीची जर नोंद घेत नसेल तर आम्ही आंदोलन हे तीव्रपणे आणि मोठ्या प्रमाणात उभारू। हे आज जो बंद पुकारण्यात आला तर माननीय न्यायालयाच्या जे विनंती केली होती की मराठ्यांनी आंदोलन शांत राहायचे तर आम्ही फक्त आरक्षणाच्या मुद्द्यासाठी नाही लढत आहे। इथं आरक्षणासोबत माननीय न्यायालयाचा मान ठेवत आम्ही फक्त आरक्षणाचा जो विषय असतात आम्ही आतापर्यंत आंदोलन मागे घेऊन घेतले असते, पण हा फक्त आरक्षणासाठी मुद्दा नसून आमच्या विविध मागणींसाठी आहे। जसं स्वामीनाथन आयोग व्हायला पाहिजे, कारण की मॅक्झिमम जे मराठी आहेत हे शेतकऱ्या वर्गातून येतात, त्यांच्या स्वामीनाथन आयोग लागणं हा खूप महत्त्वाचा आहे। तसंच जे आमच्या मराठा समाजाच्या काही मराठा युवकांवर जे गुन्हे भरले गेले ते गुन्हे वळणी सरकारने तत्काळ मागे घ्यावे, त्याही मागणीसाठी हा मोर्चा आजचा जो बंद होता हा तो आवश्यक होता, म्हणून त्यामुळे आम्हाला आज बंद ठेवणं म्हणजे महत्त्वाचं होतं। आणि ज्याप्रमाणे बाकी व्यापारी संघटना म्हणा किंवा बाकी समाजांनी जे आम्हाला सहकार्य केलं आणि जे आम्हाला पाठबळ दिलं त्याहून सरकारने हे समजून घ्यावं की पूर्ण समाज
मराठ्यांच्या पाठीशी आहे. पूर्ण व्यापारी म्हणा, प्रतिष्ठाने म्हणा किंवा गव्हर्नमेंटचे जे लोक आहेत ते सगळे सगळे मराठ्यांच्या पाठीशी आहेत. या सगळ्यांना मान घेऊन आता फडणवीस सरकारने या सगळ्यांना मान घेऊन सगळ्या त्यांच्यावरचे गुन्हे मागे घ्यावं आणि स्वामीनाथन आयोग तात्काळ लागू करा. या ठिकाणी स्टंट करायला लावलेले आहेत आणि ते स्टंट आणि आमचं आंदोलन आम्ही या ठिकाणी केलं. स्टंट म्हणजे मनोरंजनाचा कार्यक्रम आहे आणि आमचं आंदोलन म्हणजे पोट तिडकीने केलेल्या मागण्या आहेत या सुसंस्कृत आमदारांना कळावं म्हणून आम्ही आज या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं स्टंट आणि आंदोलन हे एकत्र करण्याचं ठरवलं आणि पुण्याच्या अलका टॉकीज चौकामध्ये आम्ही ही निदर्शनं त्या ठिकाणी केली. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, छत्रपती संभाजी महाराज की जय, जय जिजाऊ जय शिवाजी महाराज. मेधा कुलकर्णी मेधा कुलकर्णी आरक्षण आमच्या हक्काचा आरक्षण थोड़ा मारो को लेके मराठा समाज रस्ते पे आया हुआ है. पिछले दो सालों से महाराष्ट्र देश या पूरे भारत में या पूरे जग में उसकी चर्चा हो ऐसे मुखमोर्चे मराठा समाजों के ओर से निकाले गए थे. ये सब मुखमोर्चे शांतते के ओर से निकालने के बाद भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस इन्होंने इस आंदोलन को अच्छी तरह से नहीं निभाया और मराठा समाज को चेतावनी उनके कुछ मंत्री या आमदार आंदोलन को एक बुरी तरह से देखने का काम करते हैं. इसके विरोध में पुणा के कोथरूड विधानसभा के आमदार मेधाताई कुलकर्णी इन्होंने भी इस मराठा आंदोलन को स्टंट बाजी का आंदोलन कह के जो मराठा आंदोलक है उनकी अवहेलना की. इसके विरोध में आज पुणे में आंदोलन क्या होता है और स्टंटबाजी क्या होती है इसका फर्क दिखाने के लिए आज यहाँ पे आंदोलन किया हुआ है. लेकिन इससे माननीय कुलकर्णी जी सबक ले कि आप एक लोक प्रतिनिधि है, लोगों के चुनाव में आपको चुना जाता है लेकिन इसका आप कड़ी शब्दों से अगर निंदा करना चाहते हम भी रस्ते पे आकर आपकी निंदा करना चाहते हैं. इसी नागपुर में मराठा आरक्षण को लेकर मराठा समाज सड़क पर उतरा हुआ था जहां महल के टाउन हॉल में बड़ी संख्या में महिलाएं इस आंदोलन में शामिल हुई. इस दौरान महिलाओं ने लॉर्ड बुद्धा को मराठा आरक्षण पर अपनी बात रखी, आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी. मराठा आरक्षणाला घेऊन आज संपूर्ण महाराष्ट्रात चक्काजाम आंदोलन करण्यात येतो आहे. एकीकडे कडकडीत बंद पूर्ण महाराष्ट्रात बघायला मिळत आहे. आम्ही यावेळेस नागपूरच्या टाउन हॉलमध्येही आता खूप प्रदर्शन झाले. आतमध्ये नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची पत्रपरिषद होती, त्यानंतर मराठा आंदोलनाचे जे सहभागी झाले होते सकल मराठा समाजातर्फे ते महिला भगिनी आपल्यासोबत आहेत. नेमकं बघूया आखी त्यांचं काय मत आहे. ताई तुमचं नेमकं काय मत आहे? आमचं मत आहे जसं बाकीच्या जातींना आरक्षण मिळत आहे तसं आम्हाला सुद्धा पाहिजे आहे. कारण आमचे गरीब जे भाऊ बंधू आहे त्या शिक्षण झाल्यानंतरही त्यांना जॉब मिळत नाही आहे आणि एस सी कोट्यातल्या लोकांना 40% वर चांगल्या हे मिळतात सीट्स. मग आमच्या मराठ्यांनी कुठे जायचं? ते शिकल्यावरही त्यांना म्हणजे त्यांच्या याच्यानुसार हे नाही मिळत आहे तर आम्ही काय करायचं? आम्हाला असं रस्त्यावर यावं लागतं आहे. ग्रॅज्युएट होऊ नाहीये काय म्हणते इंजिनियर झाल्यानंतरही तोच प्रॉब्लेम आहे. प्रत्येक ठिकाणी फक्त जे एस सी एन टी कोटा आहे त्यांनाच नोकऱ्या मिळत आहे आणि आमचे लोक बिचारे शिकूनही खाली बसून आहेत. काय करायचं मग आम्ही? राज्य शासनही प्रयत्न करत आहे, किती तुम्हाला विश्वास वाटतो? बिलकुल नाही, बिलकुल विश्वास नाही. आजपर्यंत इतके मोर्चे निघालेले आहे एकही रिझल्ट दिलेला नाही आहे. आज आमच्या समाजातल्या लोकांना नोकऱ्या नाही आहे. बाकी समाजामध्ये ज्यांना आरक्षण मिळालेलं आहे एका एका घरात चार चार लोक सर्व्हिसवर आहे. त्यांनी काय त्यांनी पुण्य केलं आहे, आम्ही पाप केलं आहे का? आम्हाला पण आरक्षण जरुरी आहे. आरक्षण आम्हाला मिळालंच पाहिजे. काय म्हणाल ताई? आम्हाला आरक्षण मिळालंच पाहिजे. आम्ही आमच्या हक्कासाठीच लढून घालवायला आम्हाला आरक्षण मिळालंच पाहिजे, मिळालंच पाहिजे. आजची जी हाक जी पुकारलेली आहे, एक तर कडकडीत महाराष्ट्र बंद ठेवण्यात आलेलं, काय म्हणाल? बंद राहील, बंद राहील, बंद राहील.
मजबूर पाळ केला आहे, कारण आम्ही एक वर्ष आधी सुद्धा कोपर्डीचं हे झालं होतं, त्यावेळी सुद्धा आम्ही सरकारला हे केलं, प्रयत्न केला होता शांततेत समजवायचा, आम्ही मूक मोर्चा काढूनही हे केलं आहे, पण त्यांना काहीच कदर नाही आमच्या मराठा समाजाची, हे आम्हाला अगदी चांगल्या प्रकारे लक्षात आलंय, त्याच्यामुळे आता आमचा जो कोणताच पर्याय राहिला नाहीये, आणि जर आता यावरही जर त्यांनी काही निर्णय घेतला नाही तर यानंतरचे जे काही हे होईल काय म्हणते परिणाम ते त्यांना भोगावे लागतील. बघू शकता तुम्ही की ह्या महिला भगिनी होत्या मराठा समाजाच्या, आणि नेमकं त्यांचं मत आहे की पर्याय उरलेला नाही आहे, त्यासाठी आरक्षणाची गरज समाजाला आहे, त्यामुळे सरकारने आरक्षण द्यावं, पण कुठे न कुठे सरकारवरही त्यांनी अविश्वास दाखवला. कॅमेरा पर्सन मयूर पोगलेसह मुकेश शेडाऊ, लॉर्ड बुद्धा टीव्ही नागपूर. मी मराठा समाजाच्या सर्व नागरिकांना, समाजाच्या प्रतिनिधींना शासनाकडनं आवाहन करतो, नागपूरमध्ये आणि महाराष्ट्रात समाजाच्या आरक्षणाची मागणी जी शांतीच्या मार्गाने केली आहे ती मागणी महाराष्ट्र सरकार आणि माननीय मुख्यमंत्री यांनी ही मागणी पूर्ण करण्याकरता रेडिओद्वारे टी व्हीद्वारे सर्व मराठा समाजाला आवाहन केलं आहे की ही मागणी कुठेही त्या ठिकाणी त्या मागणीचा एवढी मजबूत त्या ठिकाणी आपण त्यांना निर्णय करणार आहे की पुढच्या काळामध्ये मराठा समाजाला त्यांच्या मागण्या पूर्णपणे मिळतील, आरक्षणाची मागणी ती पूर्ण होईल, याकरता आयोगासमोरचा प्रश्न आहे, शासनासमोरचा प्रश्न आहे, विधिमंडळासमोरचा प्रश्न आहे, याकरता जो काळ लागणार आहे तो काळ केवळ लागणार आहे, खूप काळ मागितला नाही माननीय मुख्यमंत्र्यांनी. नोव्हेंबरपर्यंत ह्या सर्व जे घटनात्मक तरतुदी आहे त्या घटनात्मक तरतुदी पूर्ण करण्याकरता नोव्हेंबरपर्यंत त्यांनी त्या ठिकाणी समाजाला आणि राज्याला आवाहन केलं आहे. माननीय प्रधानमंत्री मोदीजींनीसुद्धा याबाबतचं बैठक त्या ठिकाणी दिल्लीमध्ये घेतली. जेव्हा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री इतक्या संवेदनशीलपणे या विषयाला हाताळतायत, मागणीला हाताळताय, आणि मराठा समाजही त्या मागणीला शांतपणे त्या ठिकाणी मोर्चाच्या रूपाने मागणी करताय, मला असं वाटतं यातनं लवकर मार्ग निघेल. माननीय मुख्यमंत्री यांनी व्यक्तिगत स्वरूपाने आणि शासन म्हणूनसुद्धा या त्या ठिकाणी मागणीला पूर्ण अभ्यास स्वरूपाने हे स्वीकारलेली आहे, आणि मला असं वाटतं यातनं लवकर मार्ग निघेल. शेवटचा प्रश्न, उशीर झाला तर समाजाची कोणती मागणी आहे की आरक्षण देण्यासंदर्भात आणि खूप काही प्रॉब्लेम निर्माण झाले असतील? असा आरक्षण हा जो विषय असतो हा विषय काही एका दिवसात त्या ठिकाणी निर्णय होणारा नसतो, हा निर्णय आयोगापुढे जाणे, आयोगाचं त्या ठिकाणी शिफारशी त्या ठिकाणी येणे, आता आयोगाकडे त्या ठिकाणी शिफारशी आहेत, आपल्या विधिमंडळासमोर यायचं आहे, या सर्व गोष्टी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्या आहेत, पण त्यामुळे माझी समाजाला विनंती आहे, नेत्यांना विनंती आहे, महाराष्ट्राच्या जनतेला विनंती आहे की या जे माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आव्हान केलं त्या आव्हानाचा विचार करावा आणि त्या आव्हानाला प्रतिसाद द्यावा आणि शांतपणे त्या ठिकाणी माननीय मुख्यमंत्र्यांचं निवेदन जे आहे समाजाला त्यांनी त्याबद्दलचा त्यांना प्रतिसाद द्यावा आणि माननीय मुख्यमंत्री न्याय देतील. मराठा समाज द्वारा आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया गया. वाशिम में किया जाने वाला आंदोलन ने अभी ध्यान आकर्षित किया, जहां मुख्यमंत्री फडणवीस का प्रतीकात्मक पुतले की शव यात्रा निकाली और उसे जलाया गया. सकल मराठा समाज की ओर से आरक्षण की मांग को लेकर 9 अगस्त यानी अगस्त क्रांति दिन के अवसर पर महाराष्ट्र बंद की घोषणा की गई, जिसके बाद राज्य के सभी जिलों में बंद घोषित किया गया. इस दौरान आंदोलनकारियों ने अपने अपने तरीके से आंदोलन किया. वहीं वाशिम में किए गए आंदोलन ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया. मराठा क्रांति मोर्चा की ओर से वाशिम के ग्रामीण भागों में अच्छा प्रतिसाद मिला. सुबह से ही सभी बाजार और दुकानें बंद रखी गई. मराठा आंदोलनकारियों ने वही रिसोर्ट तहसील में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के प्रतीकात्मक पुतले की शव यात्रा निकाली गई और साथ में उसका अंतिम संस्कार भी किया गया. इस शव यात्रा में गांव के सरपंच पंढरीनाथ बोड़खे, पुलिस पाटिल अंबादास दीक्षे, साथ ही सभी गांववासी मौजूद थे. मराठा आरक्षण को लेकर जहां एक ओर सकल मराठा समाज के लोग
प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं महल के गांधी गेट पर राजे मधोजी भोसले ने लॉर्ड बुद्धा को बताया कि मराठा आरक्षण जल्द नहीं मिला तो अब इसके बाद उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये चेतावनी मधोजी भोसले ने महाराष्ट्र सरकार को दी। उनसे बात की लॉर्ड बुद्धा टीवी के संपादक मुकेश हेडाउ ने। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नागपुर शहर के गांधी गेट परिसर में, जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा आप देख रहे हैं। आज दिन है 9 अगस्त का, और 9 अगस्त के दिन पूरे महाराष्ट्र में सकल मराठा समाज द्वारा महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया गया है। एक तरफ पूरे राज्य भर में महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया गया है, जिसको पूरा समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये महल का वही परिसर है जहाँ पर हमेशा जो दुकानें हैं वो इस समय खुली हुई रहती है और काफ़ी चहल पहल होती है, लेकिन आज जो चहल पहल है यहाँ पर एक तरह से कहीं ना कहीं सन्नाटा छाया हुआ दिखता है। हालाँकि रोड लोग अपने दुपहिया वाहन से आते जाते दिखाई दे रहे, लेकिन शत प्रतिशत यहाँ पर पूरा महल जो परिसर है वो बंद रखा गया है। मैं आपको और दूसरी जगह लेकर जाऊंगा कि सकल मराठा समाज नागपुर का ये बोर्ड है, जहां पर मराठी क्रांति ठोक मोर्चा जो कि 9 अगस्त को बंद का असर दिखाई दे रहा है, वही कुछ देर पहले अगर बात की जाएगी तो यहाँ के जो राजा जो हुआ करते थे, राजा है मधोजी भोसले और भोसले परिवार के लोग यहाँ पर बैठे हुए थे और कहीं कहीं मराठा जो आरक्षण की मांग राज्य सरकार से कर रहे थे। मधोजी भोसले से भी बात करेंगे, वो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मधोजी सर, जिस तरह से आज आंदोलन किया जा रहा है, अभी हाल ही में पालक मंत्री का भी घेरा हुआ टाउन हॉल में, क्या मांगे? आप भी बैठे हुए थे यहाँ पर, पिछले एक साल से ये सारी चीज़ें चल रही है, एक तरह से मुख मोर्चे निकाले गए शांतिपूर्ण ढंग से, उसके बाद में इस तरह से आंदोलन किया जा रहा है। ये जो 58 मुख मोर्चे जो निकले पूरे भारत में, ये मुख मोर्चे हम संदेश देना चाह रहे थे कि जो आरक्षण की आज हमारे समाज को आवश्यकता है, और उसके लिए हमने शिक्षण और नौकरी में ही आरक्षण मांगा है, और हम किसी के अधिकार में से कोई आरक्षण नहीं मांग रहे हैं। पर देखा ये गया कि उस मूक मोर्चे से इनको कुछ परिणाम हुआ नहीं है। फिर ये ठोक मोर्चा जब से शुरू हुआ तब से थोड़ा सा सरकार जागी है और थोड़ी सी उन्होंने ये शुरू की है, पर आज जो महाराष्ट्र बंद का आह्वान था उसको देखते हुए हमने नागपुर बंद हमने किया, पर हमने एक आह्वान और किया था हमारे सभी समाज बांधव से, सकल मराठा बांधव से, कि हमको शांति से ही इसको करना है। और हमने सभी व्यापारी स्टार बस से लेके सभी से निवेदन हमने किए थे कि आप आज हमारे साथ शांति से बंद रखिए, और उस हिसाब से बहुत से लोगों ने हमें प्रतिसाद दिया और ये आज शांति से ये बंद रखा गया है। पर इसका मतलब हमारे मुख्यमंत्री ये न समझे कि नागपुर में करके उनके कारण ये शांति से हो रहा है, उनके कारण कुछ नहीं हो रहा है, ये जो उधरे हो रहा है ये उन्हीं के कारण हो रहा है मराठा समाज में। पर आज हमने उनको आखिरी चेतावनी ये दे रहे कि हम आज भी शांति से ही करना चाह रहे हैं, पर इसके बाद भी अगर वो नहीं जागेंगे तो नागपुर इतना ज़्यादा उद्रेक में आएगा कि महाराष्ट्र में जो नहीं हुआ वो नागपुर में होगा, कि नागपुर का जो शासन रहा है भोसला काल भी देखो और बाकी भी शासन, तो अटक से कटक तक ये राज्य किया हुआ है। इसको इतना कमज़ोर इन्होंने नहीं समझना चाहिए। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं, अगर इसके बाद उद्रेक होंगे तो मुख्यमंत्री को नागपुर में रहना मुश्किल हो जाएगा, उनको अपने एयरपोर्ट से अपने घर पहुँचना मुश्किल हो जाएगा और उनको इस्तीफा देना भी पड़ेगा। अगर बात की जाएगी सरकार की पूरी पहल की, तो सरकार ने भी एक तरह से अपने तरफ से पहल करने की कहीं ना कहीं वादे किए थे, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नागपुर के गडकरी जी इसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उनकी पहल पर भी कहीं ना कहीं भरोसा नागरिकों का दिखाई नहीं दिया, और कहीं ना कहीं अभी जो आंदोलन जो किया, जो पालक मंत्री बावनकुड़े को घेरा गया, तो उनको भी कई तरह के सवाल किए गए, तो क्या सरकार के पास जवाब नहीं इन सारी चीज़ों को देने के लिए? सरकार बोल रही कि मराठा आरक्षण दिया जाएगा, क्या लगता है आपको सरकार की इस भूमिका पर? सरकार की भूमिका जो है वो स्पष्ट यही है कि एक साल हो गया अभी तक तो वो सिर्फ आश्वासन ही देने का काम कर रहे हैं। आश्वासन के ऊपर सरकार ने कुछ भी नहीं किया। 14 तारीख को 7 तारीख इसीलिए लिया कि इसको हम कहीं शांत करेंगे, पर नतीजा क्या निकला? कोर्ट ने नवंबर बोला, उसके पहले मुख्यमंत्री ने नवंबर डिक्लेयर किया, ने कोर्ट से उन्होंने बात करके रखी थी शायद, और नवंबर में अगर वो करना चाह रहे हैं तो हो कैसा सकता है? दिसंबर या जनवरी में इलेक्शन लग जाएंगे, आचार संहिता चालू करेंगे, उसके बाद इलेक्शन ही लगते जाएंगे, एक डेढ़ साल और वो चक्कर में निकालेंगे। आश्वासन से नहीं होता। बहुत से लोगों ने आपके माध्यम जाने प्रचार माध्यम ने और पत्रकारों लोगों ने ये सवाल किया कि ये अभी ही क्यों, बीजेपी के वक्त, कांग्रेस के वक्त क्यों नहीं? हमारा ऐसा कुछ नहीं है, हम सरकार को ही चैलेंज कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी की थी या कांग्रेस। और 16% जो आरक्षण हुआ है वो कांग्रेस के ज़माने में, और बीजेपी ने कुछ नहीं किया है।
पर मेजॉरिटी कांग्रेस की नहीं थी, कांग्रेस किसी न किसी के साथ में बैठती थी, शासन बनके तो कहीं ना कहीं विरोध होता। आज बीजेपी की फुल मेजॉरिटी है स्टेट में और सेंटर में, आज उनकी इतनी शक्ति है कि ये चीज़ अगर करना है तो कर सकते हैं, और सिर्फ टालने का काम ये कर रहे हैं, और उनको शक्ति को शायद वो कम आंक रहे हैं, पर उनको इतना समझना, जब लाखों में मूक मोर्चे निकल सकते तो लाखों में उद्रेक अगर निकला, आप देख ही रहे, कुछ लोगों ने आत्मदाह किया, कुछ ने जल ये किया, आत्महत्या, पर हमने इसके बाद तो सबको बोला कि भैया मरो मत, मारो पर मरो मत। तो ये समझ लेना चाहिए कि अगला कदम क्या होगा, ये मुख्यमंत्री ने अच्छे से समझ लेना चाहिए और जल्दी से जल्दी इन्होंने करना चाहिए, क्योंकि कोर्ट को हम दोष नहीं देते, क्योंकि जो हम कोर्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे उसी के ऊपर कोर्ट फैसला देगा। तो इन्होंने अभी तक रिपोर्ट और ये पेश क्यों नहीं की, ये समय क्यों लगा रहे हैं, यानी सब टालने की बातें हैं, और इस पर अभी हम लोगों को ये सबको विश्वास नहीं रहा। जैसा आपने देखा है कि पालक मंत्री को घेराव करने के बाद, वहाँ तो हम लोग तो थे ही नहीं, हमारी शक्ति पुरुष शक्ति युवा शक्ति है, मातृशक्ति ने ही उनको परेशान कर दिया है, तो बाकी की शक्ति अगर घेर लेंगी तो क्या होगा, ये आप ही लोग इसको सोच सकते हैं। बातचीत करने का देख लिया है कि जिस तरह जिस मोड़ पर ये आंदोलन आकर खड़ा हुआ है, कहीं कहीं महाराष्ट्र में एक तरह से 100% बंद रखा गया है, वही किसी जगह से अभी हिंसा की खबर नहीं आई है, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से ये महाराष्ट्र बंद की हाक मारी हुई है, और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल या निशान छोड़ा गया है कि अगर जल्द से जल्द मराठा आरक्षण की मांग को पूरा नहीं किया जाता तो कुछ भी हो सकता है। तो कैमरामैन मयूर गोगले के साथ मुकेश राव, लॉर्ड बुद्धा टीवी, नागपुर। गुजरात के वेरवल सोमनाथ में सिविल अस्पताल में गायनिक विभाग में डॉक्टर कुबावत द्वारा गर्भवती महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद डॉक्टर कुबावत के विरोध में निवेदन दिया गया। गुजरात सौराष्ट्र वेरावट सोमनाथ जिले में सिविल अस्पताल के गायनिक डॉक्टर कुबावत के द्वारा फिर से चर्चा में आए हैं। यहाँ पर वेरावल सोमनाथ में मुस्लिम समाज की महिला के साथ छेड़छाड़ की घटना आई है सामने। हम यहाँ पर पटनी समाज के अध्यक्ष अनवर साहब के साथ के भी बातचीत करेंगे कि आपने अभी एसपी को जो आवेदन पत्र दिया है उसमें क्या क्या मुद्दा था, और किस मुद्दे पर आपने प्रस्तुत किया है एसपी को कि अभी तक कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं की गई है यहाँ के जो गायनिक डॉक्टर है उसके खिलाफ। जी पटनी समाज के अध्यक्ष, बोलिए। अभी हमने एसपी साहब को अभी एक अर्जी के रूप में आवेदन पत्र दिया है, और तारीख 1/7 को हमने 1/8 को हमने पुलिस के अंदर कंप्लेंट किया है। अभी तक उसका कोई निर्णय आया नहीं है, पुलिस ने कोई कार्रवाई की है ऐसा हमको मालूम लगता है। पुलिस से हमने बात किया था पहले, तो पुलिस ने बोला कि कार्रवाई चालू है, मगर अभी तक कोई कार्रवाई हुई ऐसा हमको नहीं दिखा, तो इसलिए हमने अभी एसपी साहब को हमने इसका अर्जी के रूप में हमने एक आवेदन पत्र दिया है कि सब हमारी समाज के टोटल आगेवान हैं, लेडीज भी हमारे साथ में है, और हमने आवेदन ये धन्यवाद। अनवर जी का कहना है कि पिछले बहुत टाइम से यहाँ पर ये घटना सामने आती रहती है गायनिक डॉक्टर के द्वारा, लेकिन उसके खिलाफ किसी वहीवटी तंत्र या पुलिस तंत्र के द्वारा कोई कानूनी कार्यवाही होती नहीं है। बाबत है वो हमारे साथ बदतमीजी से बात करता है, हर महिला के साथ बन कर गए तो हमारे साथ बदतमीजी से बात करती है जी। फिर आपके साथ किस तरह स्टेड ट्रीटमेंट के बहाने आपके साथ किस तरह उन्होंने छेड़खानी की उसके बारे में किस तरह के साथ बताए? वो डॉक्टर बहुत सारे ऐसा बोलते हैं कि महिला बिल्कुल मायूस हो रही है, वो चीख रही है, चिल्ला रही है कि मुझे न्याय चाहिए, वो कुछ बोल नहीं पा रही क्योंकि उनके साथ जो जिस तरह दुर्व्यवहार हुआ है, ट्रीटमेंट के बहाने उनके साथ छेड़खानी हुई, लेकिन अभी तक उसको न्याय नहीं मिला। रूप से वो इतने सतर नहीं है कि वो कोर्ट में जाके या हाई कोर्ट में जाके कुछ कार्यवाही कर सके, तो पुलिस पे भरोसा रख के आज एसपी साहब को गिर सोमनाथ के आवेदन रूप में एप्लीकेशन दी है। उनके समाज के पटनी समाज के आगेवान पटेल श्री और महिला होने के नाते और एक वकील के तरीके से मैंने मेरी भूमिका निभा के पूरा किया है कि एसपी साहब इनको न्याय दिलवाएंगे, और अगर इनको न्याय नहीं मिला तो महिलाओं के लिए कुछ भी करना पड़े वो इस गांव के सब लोग मिलके, हिंदू मुस्लिम सब मिलके, कौन सा समाज कौन सी जाति वो भूल के महिलाओं को सम्मान मिले उसके लिए चाहे तो डॉक्टर है चाहे कोई भी अधिकारी हो उसके खिलाफ कार्यवाही करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। जी धन्यवाद। अब देखते हैं कि यहाँ पर पुलिस तंत्र या वहीवटी अधिकारियों के द्वारा कानूनी कार्यवाही होती है, न्याय मिलता है या फिर उसको बचाने का प्रयत्न होगा, देखते हैं।
भंडारा नागपुर जिला के 70,000 से अधिक किसान बारिश ना होने के कारण परेशान है। खेत जोतने के लिए आवश्यक पानी देने की मांग किसानों द्वारा किए जाने पर नागपुर के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने तोतला डोह से पानी उपलब्ध कराने की बात नागपुर के NMC टाउन हॉल में आयोजित पत्र परिषद में कही। कल एक शासन आदेश निकला है, जल संपदा मंत्री जी ने आदेश दिया है कि जो नागपुर और भंडारा जिले के किसानों की धान की बुआई है वो 60% नहीं हुई है, 15 दिन से बारिश नहीं है, तोतलाडो में 21% केवल वहाँ पर पानी है और बारिश भी नहीं है, 21% के ऊपर पानी नहीं बढ़ रहा और ऐसे में पीने के पानी का जो नागपुर भंडारा जिलों का जो आरक्षण है रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन को ख्याल में रखा तो किसानों को पानी दे नहीं सकते, ऐसी परिस्थिति है। किसानों के आंदोलन हो रहे, किसान अड़चन में है, अगर बुआई नहीं होती है किसानों की तो 4 लाख नागरिकों का प्रश्न हो जाएगा अनाज का, 70,000-80,000 किसानों के जो परिवार है वो वहाँ पर अड़चन में आने वाले हैं। इसलिए जो है हमारे पास 21% तुतलाडो में उसमें से 100 दशलक्ष मीटर जो किसानों को बुआई करने के लिए चाहिए वो देने का निर्णय बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन निर्णय है, वो निर्णय लिया गया और अभी हमारे इरिगेशन के सारे ऑफिसर, हमारे जो उस एरिया के कमांड एरिया के जो संस्था है पानी के लिए जो पानी छोड़ती है किसानों के लिए, उनसे साथ बैठक करके बुआई के लिए तो काम में आ जाएगा ये, लेकिन अगर 21% जो हमारे पास पानी है, दूसरी अड़चन बड़ी हो सकती इसमें कि जो हम ये जो स्लॉट है पानी का ये हम अक्टूबर में देते हैं, अगर हमने अभी दे दिया तो अक्टूबर में तक पानी अगर आया तुतलाडो में तो ही दे पाएंगे। आज आँख में आंसू है किसानों के कि फसल की बुआई नहीं कर पा रहे, लेकिन कल आंसू आएंगे कि फसल तो आ गई है लेकिन दूसरा पानी नहीं छोड़ा करके बर्बाद हो जाएंगे। अब दूसरा पानी नहीं मिलेगा तो हमारी नसीब की बात है, ये आधार पे किसानों ने कुछ मुझे निवेदन दिया है, पहले तो हमें बुआई करने दो, लेकिन हमने आधा एक घंटा उनको ये समझाया कि बुआई तो हम कर देंगे, उसके लिए पानी छोड़ भी देंगे, अभी कठिन है तो भी हम निर्णय करेंगे, एक आधे बार कोराड़ी पावर स्टेशन का बंद करना पड़ेगा, एक आधे बार कहीं कट लगाना पड़ेगा, लगा भी देंगे, हमारे पास सरप्लस बिजली है उसका भी कुछ निर्णय करेंगे, नागपुर महानगर पालिका का जो हम सांड पानी वो उठा लेंगे ज़्यादा का, बट अक्टूबर में अगर किसानों को दूसरा स्लॉट नहीं मिलेगा तो 4 लाख नागरिक और 70,000 किसान के आंख में पानी हो सकता है। सरकारी निम सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर काम बंद आंदोलन जारी है। पुरानी पेंशन योजना शुरू करने और सातवां वेतन लागू करने की मांग की जा रही है। एकच मिशन, एकच मिशन, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन अंक संघटनेचे संघटना या ठिकाणी जो संप 3 दिवसांचा इथे आयोजित केलेला आहे, शासकीय निमशासकीय शिक्षकेतर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी या संपामध्ये आम्ही सुद्धा या ठिकाणी सहभागी या ठिकाणी झालेलो आहे आणि आमची प्रामुख्याने मागणी
जी अन्यायकारक पेन्शन योजना आम्हाला नवीन लोकांना या ठिकाणी 2005 नंतरच्या लोकांना जी सुरू केलेली आहे शासनानं, ती बंद करून आम्हाला 1982-84 ची जुनी पेन्शन या ठिकाणी सुरू करण्यात यावी ही आमची प्रामुख्याने या ठिकाणी मागणी आहे. तसंच 7व्या वेतन आयोगामध्ये जी शासनानं शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांबद्दल उदासीनता या ठिकाणी दाखवली त्याचासुद्धा आम्ही इथे निषेध करतो आणि सर्व संघटनांसोबत या संपामध्ये आम्ही सहभाग या ठिकाणी नोंदवतो आणि आम्हीसुद्धा या 3 दिवसीय संपामध्ये या ठिकाणी सहभागी होत आहे. त्याबद्दलचं निवेदन आज आम्ही तहसीलदार मॅडम यांना या ठिकाणी सादर केलेलं आहे. तसंच आता गटशिक्षणाधिकारी यांनासुद्धा आम्ही हे निवेदन या ठिकाणी देणार आहे. आमची मागणी ही शासनापर्यंत पोहोचावी आणि त्यांनी आमचा विचार करावा या ठिकाणी अशी आमची इच्छा त्या ठिकाणी आहे.